बैठा हुआ है ऐसा ना हो आने वाले समय में। हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से कि उस कदम उठे FIR के साथ एक जो है कि जांच कमेटी बैठे और जांच कमेटी जांच करके जो अपराधी है उनको जो है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की। यहाँ पे भी ये तीसरी घटना है, यहाँ पे जो मूर्ति रखी गई है, और ये मूर्ति टूटने की बात नहीं है कि टूट गई और लग गई, बात यह है कि हमारे भावनाओं के साथ, हमारे महापुरुषों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर यहाँ पे आज उसकी जांच नहीं हुई, पता नहीं चला और निर्माण नहीं हुआ, तो हम लोग बड़े आंदोलन के बाध होंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे कि जो ऐसा कर रहा है उसके साथ पूछते उसकी नस्लें खराब हो जाए, जो हमारे महापुरुषों की भावनाओं को आहत कर रहा है। संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब की औलाद है, क्योंकि हम लोग कानून से कानून का व्यवस्था समझने वाले हैं, तो हमें आप सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग रोड नहीं जाम करेंगे। अभी आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बाबा साहब की प्रतिमा को किस तरह से आरोपियों ने तोड़े हैं। यहाँ पर आप लोग पूरा लाइव पूरे के साथ आप लोगों को दिखाया जा रहा है। और यहीं पर आप लोग हमें भी बता दें कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से हमारे क्रांतिकारी साथी भी आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत से तमाम पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। यहाँ पर वो बता दें कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर तमाम साथी भी बहुत दूर दूर से यहाँ उपस्थित हैं। इन सभी को आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर देख आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, शासन प्रशासन भी यहाँ पर जुटी हुई है और यहाँ पर जो कि पब्लिक इतना है यहाँ पर, जो कि सभी पब्लिक जो कि रोड पे चक्का जाम करने जा रही थी भाई, तो कुछ हमारे लोग यहाँ पर जाके समझा बुझा करके पब्लिक को यहाँ से साइड में किए हैं। और जो कि उन लोगों का कहना यह है कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग संविधान के कानूनी कायदा में रह करके कोई भी काम करना है करेंगे, अगर हमें धरना प्रदर्शन ही करना है हम लोग सड़क पे नहीं करेंगे, बल्कि सड़क से साइड में हम लोग अपना जो कि कोई भी कार्यक्रम हो हम लोग साइड में अपना करेंगे। और यहाँ के ग्रामीणों का ये भी कहना है, इससे पहले भी बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया था, एक बार पैर तोड़ा गया था, कई उंगली तोड़ी गई थी और करीखा भी पोता गया था, ऐसे ग्रामीणों का कहना है। नहीं सर, मुकदमा नहीं लिखा गया था, जब छुट्टी थी वहाँ तो उसको जल्दीबाजी में बनवाया करके बोलूँ तुम्हारी बात सुनी जाए। वो बड़े बात पहली बात और उसके पहले वाली दस साल पहले हाथ मतलब बहुत सस्ता आ गया, 3000 का कैमरा आ गया लग रहा सर, अब इधर अभी लगने वाला था खम्बा ही जो है ना आपको सबसे अच्छा है। तो कहाँ रखा जाएगा सर उसका डीवीआर? वो आदमी जिम्मेदारी नहीं लेता है सर, क्यों नहीं लेंगे किसी घर में रखवा दिए, घर पे रखवा दीजिए बगल में किसी के घर पर कैमरा रखा दे। बाकी आजकल तो वाईफाई कैमरा आता है, आजकल ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके साथ तार कटा हुआ रखने की जरूरत है, आप अपने गाड़ी 13 किलोमीटर से देखिए ऐसा ना हो आने वाले समय में। हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से कि उस कदम उठे FIR के साथ एक जो है कि जांच कमेटी बैठे और जांच कमेटी जांच करके जो अपराधी है उनको जो है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की। अगर सर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसा नहीं होता है तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध होंगे और जो है कि आंदोलन के साथ साथ जो है कि हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जरूर से जरूर जो जाँच। और हमारे साथ और भी लोग उपस्थित हैं, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अरविंद राणा। सर ये बाबा साहब की प्रतिमा लगातार तोड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं
शासन प्रशासन की कमी भी मानी जा रही है लगातार जो है, इस पर क्या कहना है आपका? यहाँ पे भी ये तीसरी घटना है यहाँ पे जो मूर्ति रखी गई है, और ये मूर्ति टूटने की बात नहीं है कि टूट गई और लग गई, बात ये है कि हमारे भावनाओं के साथ, हमारे महापुरुषों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर यहाँ पे आज उसकी जांच नहीं हुई, पता नहीं चला और निर्माण नहीं हुआ, तो हम लोग बड़े आंदोलन के बाद होंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे कि जो ऐसा कर रहा है उसकी साथ पूछते उसकी नस्लें खराब हो जाए, जो हमारे महापुरुषों की भावनाओं को आहत कर रहा है, और बहुत ही उसका बुरा दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रशासन इकट्ठा है, लेकिन हम सहमत नहीं है कि जो हम क्यों ऐसा हो रहा है आए दिन। अभी ये घटना जो है महाराजगंज की है, आज हम लोग मुकदमा लिखवाने जा रहे थे 10 बजे, यही घटना अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ी। संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब की औलाद है, क्योंकि हम लोग कानून से कानून का व्यवस्था समझने वाले हैं, तो हमें आप सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग रोड नहीं जाम करेंगे अभी, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है पड़ गया, एप्लीकेशन जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए ये एप्लीकेशन पड़ा हुआ है और FIR दर्ज हो चुका है, जो उस पर कमेटी गठित करके जांच की जाएगी कि कौन ऐसा है करने। तीसरी घटना हुई है, पहली घटना तो है नहीं, तीसरी घटना है। हम लोगों ने पुरजोर मांग किया है और दबाव बनाया है प्रशासन पे कि यहाँ कार्रवाई हो, और प्रशासन इसमें जिम्मेदारी लिया है बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए और जाली लगाने के लिए, यानी सामने से जो है उसकी जाली बना के वो घेराव करेंगे। उसके बाद में हम लोगों ने क्या निर्णय लिया, यहाँ पे कमेटी बना, कहाँ कॉपी कहाँ गई भाई, पप्पू जी कहाँ है, कॉपी कहाँ है? हमें सोचने की जरूरत, अभी यहाँ कोई किसी भी तरीके की ट्रेजेडी हो जाएगी, कोई भी घटना हो जाएगी, उसके सर्वे सर्वा जिम्मेदार यहाँ के 4-5 लोग जो भी हैं जिम्मेदार लोग हैं वो लोग हो जाएंगे। इसलिए हम लोग, क्योंकि कानूनी दायरे में रह के हम लोग बाबा साहब की औलाद है और बाबा साहब ने संविधान लिखा है, कानून बनाया है, उस कानूनी दायरे से सारी यहाँ प्रक्रिया हो रही है। हम लोग यहाँ कोई आगे नहीं कर दे, किसी भी तरीके का कोई नुकसान कर दे, उससे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं, तो हम लोग उल्टा जो है सभी लोग उसमें परेशान हो जाएंगे। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग शांति बनाए रखें और प्रशासन कार्रवाई नहीं, हम लोग 1 हफ्ते बाद यहाँ निर्माण करेंगे मूर्ति का स्थापना, 1 हफ्ते बाद होगा, उसमें सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सबको सूचना देंगे, सभी लोग यहाँ इकट्ठा होने का काम करेंगे। नहीं, जब तो आप लोग ध्यान दीजिए, जिससे जो सहयोग, कहाँ गए पप्पू जी भाई, बुलाइए उनको, तक सैकड़ों लोग सहयोग कर दिए हैं, और पप्पू जी को बुला दीजिए, उसको दिखा दीजिए इनको, यहीं पे हरिश्चंद्र जी और पप्पू जी बाबा साहब की प्रतिमा के पास बैठेंगे, आप लोग वहीं आके जिनको जो सहयोग करना होगा, आर्थिक सहयोग आप सभी लोग करेंगे, यही मेरा निवेदन है आप लोगों से। आप राणा जी बोल दीजिए, आप बाबा साहब से अगर प्रेम करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी प्रतिमा यहाँ पे नई निर्माण हो बढ़िया से, तो आप लोग सहयोग करिए, और हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, अपने हक अधिकार और उनका सम्मान करना जानते हैं, आप भी उनसे प्रेम करते हैं तो शांति व्यवस्था बनाए रहे, रोड से थोड़ा दूर रहे, और ये जो हो रहा है हम भी आवाज़ उठाना, लड़ाई लड़ना जानते हैं, लेकिन अभी हमें जो है कि शांति व्यवस्था से काम लेना है, क्योंकि कहते हैं कि अगर मनवादी चाहता है कि तुम चाहते हो जंग तो जंग ही सही, हम तो देश में अमन चमन शांति चाहते हैं, तुम चाहते हो जंग तो जंग ही सही, लेकिन अभी हम लोग शांति चाहते हैं। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब के प्रति हमें ये जो हुआ है उसके लिए कष्ट है, इसीलिए हम आप बहुत शर्मिंदा है इस काम से, आप लोग शांति से इधर ही रहिए, अभी प्रतिमा आती है उसे देख लीजिएगा, फिर जाइएगा, जैसी सूचना मिलेगी उस दिन आप लोग इकट्ठा होइएगा और उनका अनावरण उस दिन किया जाएगा मूर्ति का।